शांति। राजयोग मेडिटेशन की श्रृंखला में हमने पिछले सत्र में देखा कि परमात्मा को याद करने के भी चार आधार हैं, लेकिन जब यथार्थ ज्ञान न होने के कारण कभी कभी हम ईश्वर को अयोग्य संबंध अयथार्थ रीति से याद करने का प्रयत्न करते हैं, और इसीलिए हमें वो जो प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो जैसे दुनिया में कहा कि अक्सर मनुष्य की शिकायत रहती है कि ईश्वर में हम अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान टिकता ही नहीं। कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन घड़ी दो घड़ी के लिए अगर ध्यान लग भी गया, फिर तीसरी घड़ी से तो भटक जाता है मन। तो इसीलिए कभी कभी मनुष्य अपने मन को दोष देने लगता है कि शायद हमारा मन ही ऐसा है, और ये मन कभी ईश्वर में लगेगा ही नहीं, बड़ा पापी है, शायद हमने बहुत पाप किए हैं इसीलिए हमारा मन ईश्वर में लगता नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर को कहा ही जाता है पापों से मनुष्य का उद्धार करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला। तो उसको भी मालूम है कि मेरे बच्चे अनेक पाप कर्म करते 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 काफी अधोगति को पहुंच गए हैं। तभी तो शास्त्रों में भी गायन है कि अजामिल जैसे पाप आत्माओं का भी उसने उद्धार किया। तो क्या ईश्वर हमारा उद्धार नहीं कर सकेगा? क्या क्यों नहीं करेगा? लेकिन शायद हमें यथार्थ विधि मालूम नहीं, इसलिए। और आज तक एक अथार्थ अयथार्थ मार्ग पर हम चलते रहे तो भटकते रहे, प्राप्ति नहीं हुई। तो जैसे उस दिन हमने देखा था कि या तो करना पड़ता है, मेहनत है जिसमें, या तो स्वार्थ से भरी यादें हैं। अब ईश्वर को स्वार्थ से याद करते हैं, मतलब से याद करते हैं, या तो दूसरे प्रकार की याद है, या तो एक बिजनेस डील हो जाती है। जैसे वो एक कहानी याद आती है कि एक बार एक राजा था, और राजा का राज्य एक नदी के किनारे बसा हुआ था। राजा ने सोचा एक दिन कि नदी के दूसरे और भी हमारा राज्य विकसित होना चाहिए। तो उसने दरबार बुलाई और लोगों को कहा कि आप लोग नदी के दूसरे छोर पर भी जाओ और ये राज्य की सीमाओं को एक्सपेंड करो। लोगों ने सोचा सारा कारोबार इस तरफ है, उधर कौन जाएगा? तो जब ये कहा तो राजा ने कहा ऐसा करते हैं, मेरा एक महल बना देते हैं उस तरफ भी, मैं खुद जाऊंगा तो प्रजा भी धीरे धीरे आएगी। तो राजा ने एक ऑर्डर दे दिया, मेरा महल उस तरफ बनाए। महल निर्माण का कार्य शुरू हो गया, और राजा का महल बनना था, बड़ा भव्य महल, बहुत सुंदर बनने लगा, और बहुत जल्दी सारा कारोबार पूरा हुआ। तो लोगों ने भी देखा जब इतना भव्य महल तैयार हो रहा है तो अभी यहां तो खुद राजा आकर के रहेंगे, तो नेचुरल है जो बिजनेस है वो भी काफी अच्छी तरह से फैलेगा। तो लोग भी धीरे धीरे जा करके वहां अपने अपने प्लॉट खरीदने लगे, रहने के हिसाब से बनाने लगे। अब साल भर के अंदर तो राजा का वो महल बन करके तैयार हो गया। मंत्री ने आकर के राजा से कहा कि भाई आप चलिए उद्घाटन करिए और लोगों को भी संबोधित करिए। तो राजा चला। अब बारिश के दिन थे, ब्रिजेस तो थे नहीं, तो नाव में बैठकर जाना पड़ता था।
तो राजा के लिए बहुत सुंदर नाव सजाई हुई थी। जैसे ही राजा उसमें चढ़े, नदी बहुत चौड़ी थी और लबालब भर कर बह रही थी, क्योंकि पहाड़ियों पर खूब बारिश हुई तो नदी बहुत भर के बह रही थी। आधे रास्ते कहीं आए होंगे कि अचानक जोर से तूफान शुरू हुआ। जब जोर से तूफान शुरू हुआ, गहराई बहुत थी पानी की, तो नाविक ने कह दिया कि देखो, नाव मेरे कंट्रोल में नहीं है, भगवान बचाए। तो हर एक ने भगवान को याद करना शुरू किया। तो राजा ने भी भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये तूफान अगर शांत हो जाए तो मैं महल बेच दूंगा और वो पैसा गरीबों में बांट दूंगा। सचमुच जैसे उसने ये प्रार्थना की, तूफान शांत हो गया, नाव कंट्रोल में आ गई। अब जैसे ही नाविक जो है नाव को संभाल करके आगे बढ़ा रहा था कि मन है, तो राजा के मन में विचार आया, तूफान तो शांत होना ही था, बड़ा जल्दी सौदा कर लिया मैंने। जैसे ही ये सोचा कि फिर से तूफान शुरू हो गया, फिर से नाविक ने कहा भगवान को याद करो। तो राजा ने फिर भगवान को प्रार्थना की कि हे प्रभु, विश्वास करना, मैं सचमुच महल बेच करके वो पैसा गरीबों में बांट दूंगा। शायद भगवान ने दोबारा विश्वास कर लिया, तूफान शांत हो गया, सामने पहुंच गए सुरक्षित रीति से। और जैसे ही वहां पहुंचे, उद्घाटन किया, महल की भव्यता देखी, बहुत सुंदर महल। लेकिन जैसे ही प्रजा को संबोधित करने आए, कि वहीं राजा ने ऐलान कर दिया, ये महल में बेचना चाहता हूं और ये महल की कीमत है 100 रुपया। बड़ा आश्चर्य लगा, 100 रुपये में महल, इतना भव्य महल। और लेकिन राजा ने कहा, जो ये महल खरीदेगा उसको साथ में एक बिल्ली खरीदनी पड़ेगी और बिल्ली की कीमत है 5 लाख रुपया। लोगों ने सोचा, ये राजा क्या कह रहे हैं, बिल्ली की कीमत 100 रुपया होनी चाहिए, महल का कीमत 5 लाख रुपया होना चाहिए, ये कहीं उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन राजा बराबर बोल रहे थे। आखिर सभा में से ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा कि मैं ये महल खरीद लेता हूं, ये 100 रुपया महल का देता हूं और बिल्ली का पैसा बाद में देता हूं, जब बिल्ली मिलेगी तब। अब राजा को जैसे ही वो पैसा मिला, तो राजा ने भगवान से जो वायदा किया था कि महल बेच करके वो पैसा गरीबों में बांट दूंगा, बिल्ली का सौदा थोड़ी भगवान से हुआ था, ये आज के मनुष्य की मनोवृत्ति। जहां भगवान के साथ भी ईमानदार वफादार नहीं रह सकता है, तो मनुष्य से तो क्या होगा, अपने आप से क्या होगा? आर वी ऑनेस्ट विथ आवर ओन सेल्फ? शायद नहीं। और इसीलिए जहां स्वार्थ और मतलब से याद करते हैं, तो प्राप्ति में क्या होगा? या तो दूसरा तरीका भगवान को याद करने की, शिकायत। शिकायतें बहुत है कि मान लो कि हमारे पड़ोसी को बहुत सारी चीजें मिली हो, जबकि एक ही जगह पर नौकरी कर रहे हैं या एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं, फिर भी उनको प्राप्ति ज्यादा है और वो प्राप्ति हमारे पास नहीं है। तो जो मिला है उसका एहसान नहीं है, लेकिन जो नहीं मिला है उसकी शिकायत जरूर है ईश्वर से कि हे प्रभु, मेरे पड़ोसी को तो तुम इतना अच्छा अच्छा दे रहा है, मुझे देने के समय तुम बिजी हो जाते हो क्या, या मेरे तरफ तेरा ध्यान ही नहीं जाता है क्या? इसलिए कहा कि जो मिला है उसका एहसान नहीं है, जो नहीं मिला है उसकी शिकायत जरूर है कि ये भी नहीं है हमें मिला, ये भी नहीं मिला, तो मेरे भाग्य लिखते समय क्या हो गया था, हे प्रभु
मेरे पड़ोसी का भाग्य तो इतना अच्छा लिखा तूने, और मेरा भाग्य लिखते समय क्या हो गया, जबकि एक जैसा काम है हमारा। तो शिकायत से याद करते हैं। या तो तीसरे प्रकार की याद है अयथार्थ संबंध के आधार पर। अयथार्थ संबंध का मतलब है कि जैसे एक तरफ तो हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता या तुम मात पिता हम बालक तेरे, और दूसरी तरफ हम मंदिर में जाकर गाते हैं कि हे प्रभु मैं तो आपके चरणों का दास हूं, चरणों की धूल हूं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरे चरणों की धूल है हम। अब सोचने की बात तो यह है कि क्या सचमुच अगर मैं धूल हूं और वो मालिक है तो कभी उसके नजदीक जाने की भी हम जरूरत करेंगे? और यथार्थ संबंध, हम तो आपके चरणों के दास हैं। अब या तो मैं बच्चा बन सकती हूं या दास बन सकती हूं, दोनों एक साथ में तो नहीं बन सकते। जैसे अगर मान लो कि बाहर में गाड़ी खड़ी हो मकान के और वहीं कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और आप जाकर के पूछो कि ये गाड़ी किसकी है, जिस बच्चे के पिता की गाड़ी होगी वो खड़ा हो जाएगा और कहेगा क्यों हमारी गाड़ी है, उसको चलाना नहीं आता है, उसने खरीदी नहीं किया है, फिर भी समझता है जो पिता का है सो मेरा है ही है हक अधिकार। लेकिन वहीं अगर ड्राइवर भी खड़ा हो और पूछा जाए ये गाड़ी किसकी है, खुद चलाते हुए भी अपनी नहीं कह सकता है, मालिक की गाड़ी है यही कहेगा। तो इसी तरह अब हमें ये फैसला करना होगा कि मुझे क्या बनना है, बच्चा बनना है या दास बनना है। आज एक बच्चा आता है अधिकार से कहता है मुझे 100 रुपया चाहिए, और अगर आपके पास जेब में 100 रुपया छुट्टा नहीं है, 500 की नोट है, उसको 500 दे देंगे। बच्चा है, अधिकार है। और वहीं अगर दास आया और दास ने मालिक के सामने हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ कहा मालिक मुझे 500 रुपये की जरूरत थी, आप तुरंत निकाल के दे देंगे क्या? नहीं, पूछेंगे किस लिए। अच्छा, उसने जो कारण बताया वो काम 100 रुपये में हो ही जाता है, 500 रुपये जास्ती ही मांग रहा है, तो क्या कहेंगे? देखो 100 रुपया ले जाओ, चलो 200 रुपया ले जाओ, वैसे तेरा काम तो 100 रुपये में ही हो जाना चाहिए, फिर भी मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, जैसे एहसान कर रहे हैं 100 रुपया एक्स्ट्रा दे करके। मांगने से एक तो आधा आधा भी पूरा नहीं मिला, और वो भी शायद इसीलिए 500 मांग के 500 कहूंगा तो जाकर 200 कहीं मिलेंगे। ये भावना है, वो स्नेह की प्यार की भावना नहीं है। इसीलिए कहा कि बच्चे ने मांगा 5 गुना मिला, दास ने मांगा आधा भी नहीं मिला। अब आप सोचो कि आपको ईश्वर के सामने किस रूप में जाना है, किस रूप में प्राप्ति ज्यादा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमने उनके साथ अयथार्थ संबंध जोड़ा, सोचा विनम्रता है, और इसीलिए मंदिर में जाकर के हम जब प्रार्थना भी करते हैं तो यही गाते हैं कि हे प्रभु आप तो इतने ऊंच महान, इतने बुद्धिमानों की बुद्धि है, इतने सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मैं आपका बच्चा या मैं आपके चरणों का दास, मैं अयोग्य हूँ, दास हूँ, मूरख हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, पता नहीं क्या कहते हैं अपने आप को। अब आप सोचो कि आपका बच्चा अगर आपके सामने आकर कहे
कि पिताजी आप तो इतने ऊंच हो, महान हो, बुद्धिमानों की बुद्धि हो, और मैं आपका बेटा, मैं तो मूर्ख हूँ, बुद्धू हूँ, मेरे में तो कोई होशियारी नहीं है। अगर ये सब बातें कहें के ये सुन करके क्या आपको खुशी होगी? नहीं होगी ना। तो क्या ईश्वर जब ये सुनते हैं प्रार्थनाओं में तो उनको खुशी होगी? नहीं होती है। इसलिए शायद हमारा मन उसमें समा ही नहीं सका, उसमें जुड़ ही नहीं सका, क्योंकि जहां अपनापन ही नहीं है तो जुड़ेगा कहां से। इसीलिए भटकाव का अनुभव करता रहा। तो चलिए थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांत करें और ईश्वर के साथ यथार्थ संबंध जोड़ते हुए उस विधि से उसको याद करें। ओम शांति। ओम शांति।